किसान साथियों, यह मेरी धान है मनाली। ये धान का नाम तो मनाली, किसान साथियों, ये धान का नाम मनाली है। और यानी इसको मैंने सिर्फ खाने के लिए यूज़ किया हूँ, यानी खाने के लिए अपना भात से खाने के लिए यूज़ किया हूँ। और क्या साथियों, इसमें मैंने ये जो मनाली धान किसान साथियों, इसको सिर्फ खाने के लिए। और इसमें अपन पौधे देखे कितना बन गया, कैसा क्या होगा पौधे का, थोड़ा सा देखते हैं कि धान खाने के लिए धान है ये मनाली धान। इसमें पौधे गिनते हैं अपन, अपन पौधे गिन लेते हैं किसान साथियों, आपको भी दिखना चाहिए पौधे गिनते हैं किसान साथियों। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह करके है किसान साथियों। इसमें कले जो फूटे सोलह सोलह कले है। और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट फीड खाद जो कि घर में मैंने बनाया हूँ, अपने घर में वर्मी कंपोस्ट फीड बनाया हूँ। और उसमें ला के मेरे साथ में खाने 10 किलो मारा हूँ ध्यान बना ध्यान है, इसे 10 किलो मारा हूँ। और मेरा पहले साल है इसे ऑर्गेनिक खेती करने का, इसे ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ मैं। ये देखिए किसान साथी, ये ऑर्गेनिक खेती के लिए सिर्फ खाने के लिए यूज़ किया हूँ मैं ये धान। और देखो यहाँ पे ज़्यादा पड़ा हुआ तो इसे बहुत सारा ज़्यादा सुंदर उठे पौधे। और थोड़ा सा घास तो कटिंग हो गई, घास की इसमें घास की कटिंग हुई किसान साथियों। और किसान साथी, इसके बाद में मैं इधर ही और खाने के लिए धान लगाया हूँ, देखो उसी के बाद में इधर लगाया हूँ। इसमें मैंने फर्टिलाइजर कुर्सी उद्योग और एक केसर शक्ति करके उसमें मिक्सर करके मारा हूँ किसान साथी। देखो साथी, वहाँ देखो ये धान की, देखो अपन ने इसके पहले बताया था आपको कि ऑर्गेनिक खेती गेंडू खाद अभी बोलते हैं इसको अपने गांव के रहते हैं गेंडू खाद से। और ये अपना फर्टिलाइजर से जैसा सोडा है, कुर्सी देव है, यूरिया है, और कहीं की कुर्सी संजनी वगैरह DAP है, ये सब सोडा से देखो ये धान। और अपन ने वर्मी कम्पोस्ट फिट की धान देखो आपको दिख रही है, सर ऊंचाई देखो ऊंचाई, ये धान की ऊंचाई। और आप उस धान की देखो क्वालिटी वर्मी कम्पोस्ट फिट की, देखो सर ये धान की ऊंचाई, सर आपको ऊंचाई बता देता हूँ आपकी। और देखो धान किसान साथियों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में वर्मी कंपोस्ट फीड बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑर्गेनिक खेती, ताकि अपने को आगे चल के कुछ रोग ना हो, कुछ रोग है, कुछ ऐसे होते ना दुनिया के, तो ये ना हो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ किसान साथियों कि जो अपनी खेती है ये स्वयं ऑर्गेनिक खेती करो, घर में जो वर्मी कंपोस्ट फीड बनाओ थोड़ा सा 10x10 का टाका, और उसमें गेंदू खाद करके तैयार करो। हाँ, यही गेंदू खाद करके तैयार करो किसान साथियों। और बड़ी अच्छी बात है कि अपने को जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें से कोई भी विष, यानी कोई भी अपन मारते नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, और कमेंट जरूर करें। ऑर्गेनिक खेती से बाद में आपको पता चलेगा कि अपने यहाँ अपना तंदुरुस्त भी रहोगे आप लोग, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, दुनिया का पिन दवा खाते, दुनिया की विटामिन विष खाते, विष बोलते उसको जहर। इसीलिए बताओ किसान साथियों कि अपन अपने गांव से पांजरा से ओमकार लीला रे ऑर्गेनिक खेती, ये मेरा पहला साल है ऑर्गेनिक खेती, मुझे कृषि विभाग से एक मिला था अफसर की, बोले लीला रे जी तुम तो करके देखो एक खेती, तो अपने खेती की है 50 डिसमिल में लगाए, तो 50 में से भी आधे महीने में लगाया हूँ, ऐसा ज़्यादा करके नहीं लगाया। देखो किसान भाई, ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों, आप भी ऐसी खेती करते रहिए। और मैं चाहूँगा कि आप भी इस बार वीडियो देख करके अपने वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या बोलते हैं इसको चैनल को दबाइए। और अच्छी लगी तो अगली बार और भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा। शायद मेरे पास अभी ऊषा भी तो
वैसी थोड़ी सी देसी मुर्गी का भी है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है देसी मुर्गी का भी। हालांकि मैं इस साल देसी मुर्गी का खाद नहीं मार रहा हूँ, इसको सब्जी के लिए रखा हूँ। हाँ किसान साथियों, सब्जी के लिए रखा हूँ अभी। और ये जो दिखा रहा हूँ ना आपको धान, ये सोडा यूरिया क्या है, यूरिया है कुर्सी दे वगैरह इसका। किसान साथियों और इसका कली देख लेते अपन कि अपन ने इसमें कितने सीमें पौधे कितने यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 10 है किसान साथियों। और उसमें 15 है, उसी से 16-17 है, लेकिन आपको 15 ही मिल रहा है। देखो किसान साथियों कितना फर्क आ गया, ऑर्गेनिक खेती और फर्टिलाइजर खेती। किसान साथियों मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे चैनल को देख करके ही आप ऐसा करोगे, अपने चैनल ऑर्गेनिक खेती वर्मी कंपोस्ट पीट वाली घर में थोड़ा सा बना ली, वर्मी कंपोस्ट पीट टाका और इसमें गेंदू खाते हैं, गोबर खाते हैं, सब्जी का भी जो पाना कचूड़ा वगैरह, हाँ जहाँ तक भी आपने अगर बीड़ी का पत्ता भी टेमरू का पत्ता भी अगर डाले वहाँ पे तो वो भी अच्छा खाते सड़ के खाद होता है उसका। देखिए किसान साथियों अपने धन्यवाद किसान भाई, आप भी चैनल को देख करके संपर्क करिए।